वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज मैं आप सबके लिए एक और कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी का नाम है चार दोस्त। कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय की बात है, चार दोस्त हुआ करते थे, कछुआ, हिरन, कौवा और चूहा। अब एक दिन हुआ यूँ कि ये लोग हर रोज़ एक समय दोपहर में मिलते थे एक बरगद के पेड़ के नीचे। वहाँ बैठकर ये लोग गप्पे शप्पे करते थे, जैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे ही। और उसके बाद खाना भी एक साथ बैठ के खाते थे। तो ऐसे ही एक दिन था, हिरन आया नहीं। अब कछुआ, चूहा और कौवा सोच रहे, ये हिरन तो हमेशा टाइम पे आता है, ये हिरन आया क्यों नहीं। तो चूहे ने कौवे को कहा, कौवा जी, आप ना बड़े जल्दी जल्दी चले जाते हो उड़ के, आप एक बार उड़ के देखिए ज़रा, हमारा दोस्त हिरन है कहाँ। तो कौवे ने सोचा, हाँ बात तो सही है, मैं उड़ के फटाफट जा के देख लूँगा। कौवे को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसको वहीं आधे रास्ते में ही हिरन नज़र आ गया। पर वो देखकर चौंका रह गया, वो चौंक कर रह गया। वो कहता, हिरन मेरे दोस्त, ये तुम्हें क्या हुआ, तुम जाली में बंद हो, ये क्या हुआ। तो हिरन बोलता है कि देखो कौवे, ऐसा हुआ कि एक ना शिकारी यहाँ घूम रहा है, तो वैसे तो मैं बहुत संभल संभल कर चलता हूँ कि कोई मुझे कैद ना कर सके, कोई मुझे बंद ना कर सके, तो मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, संभल संभल के हर एक कदम रखता हूँ। पर ना जाने क्या हुआ, इन्होंने इतने अच्छे से जाली बिछाई हुई थी कि मैं फंस गया जाली में। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँ, मैं कब से यहाँ पुकार लगा ही रहा था, शुक्र है कि तुम आ गए मेरे पास। ये बोल के कौवे ने उसको आश्वासन दिया कि हे हिरन, तुम डरो मत, मैं हूँ, मैं चूहे को लेके आता हूँ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। कौवा वापस उड़कर जाता है और चूहे को बोलता है कि चूहा, देखो हमारा जो मित्र है, जो हमारा दोस्त है हिरन, वो फंस गया है जाल में, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ तुम मेरे पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें उड़ा कर वहाँ ले जाऊँगा और फिर तुम उस जाली को कुतर देना। तो चूहा उसके साथ गया, उसने हिरन की जाली काट दी, पर उतने में जो कछुआ था वो भी धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच गया। अब हिरन ने जैसे वो जाल से निकला, वो देखता कि ये क्या हुआ, वो देखता रह गया। उसके बाद उसने अपने सारे दोस्तों को, जो उसके मित्र वहाँ थे, कछुआ, कौवा और चूहा, उन सबको उसने चेतावनी दी कि वो देखो, वो शिकारी आ रहा है, वो आके हम सबको पकड़ लेगा। जैसे उसने ये बोला, हिरन दो कदम कूद के एक झाड़ियों के पीछे छुप गया, चूहा बिल के अंदर घुस गया और कौवा ऊपर एक पेड़ की डाली में जाके बैठ गया। पर जो कछुआ था वो अपनी धीरे धीरे चाल से चलता रह गया बचने के लिए। उतने में शिकारी आ गया, उसने देखा मेरा हिरन कहाँ गया, तो उसने फिर देखा, ज़रा देखूँ कौन है मेरा हिरन का चोर। फिर उसने देखा, अरे वो कछुआ जा रहा है, ज़रूर वही होगा। उसने सोचा, कोई नहीं, हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ, कछुए का ही सूप बना के खा लूँगा मैं। ये बोलते ही उसने कछुए को पकड़ लिया, उसको रस्सी बांध कर अपने साथ लेकर चल रहा था। अब क्या हुआ, अब जो कौवा डाल पे बैठा हुआ था, जो हिरन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था और जो चूहा बिल में था, वो तीनों देख रहे थे अपने चौथे मित्र को उस शिकारी के साथ रस्सी में बंध कर जाते हुए। इन लोगों ने फटाफट झटपट एक प्लान बनाया उस शिकारी को बचाने के लिए, कछुए को बचाने के लिए शिकार से। तो उसने कहा, आओ आओ मेरी प्लानिंग सुनो, इधर आओ, हम क्या करेंगे सुनो। तो आगे सुनते रहिए कहानी, आपको उनकी प्लानिंग ज़रूर पता लगेगी। तो वो जो शिकारी था वो चलता गया आगे आगे, अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके घर में जाते हुए जाने के रास्ता जो था उसका, वहाँ पे था एक तालाब। उस तालाब में के पास वो शिकारी देखता, अरे वाह, मुझे मेरा वो वाला हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ, यहाँ एक हिरन तो मरा पड़ा है, उसके ऊपर कौवा खड़ा हुआ है और चोंच मारने जा रहा है, इसका मतलब हिरन मरा हुआ है। वो जाता है, फिर कछुआ
वो जो बंधा हुआ कछुआ है वो उन अपने मित्रों को देख के एक छोटी सी मुस्कुराहट देता है, क्योंकि वो समझ गया कि वे लोग कर क्या रहे थे। तो शिकारी ने कछुए को छोड़ा, हिरण को पकड़ने गया। उतने में जो चूहा थे उसने उसकी रस्सी काट दी। ऐसे करके ये चारों दोस्त उस जगह से भाग गए। 9:00-11:00 हो गए और शिकारी आश्चर्यचकित होकर देखता ही रह गया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय आने पर सबसे पहले दोस्त आपकी मदद करते हैं, तो उनसे दोस्ती बनाए रखिए और हमेशा एक दूसरे की मदद कीजिए। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय।